तैयार हो जाओ, आप सामने वाली टीम पे भी मैकर रोबोट पड़ा है और मेरी टीममेट पे भी मैकर रोबोट पड़ा है, तो देखो बस क्या होगा अब। तो भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए बीजीएमआई के गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज की इस वीडियो में होने वाला है मैका वर्सेस मैका। मेरे पे भी पड़ा होगा मैकर रोबोट और सामने वाले बंदों पे भी पड़ा होगा भाई मैकर रोबोट, पर देखना ये किसका सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन जीत पाएगा, तुम्हें फुल मजा आने वाला है। और आगे एक ऐसी चीज भी होने वाली जिसके बाद अपने सोल हरीश भैया की लगभग भाई दोस्ती खत्म भी हो सकती थी इस चीज के बाद। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओके अभी बिल्कुल भाई आते ही आते जमीन पे पैर रखे हैं और दो बंदों को पील दिया गया। यार मैं तो ऐसे ही मिठाइयां लगाता हूँ, लेकिन भाई सब किल आता है सिर्फ एक बंदे का, और तुम्हें भी पता है दूसरे वाले बंदे का किल तो आएगा भी नहीं भाई, क्योंकि सीन गलत है इधर, किल चुड़ते भाई बहुत जल्दी। अभी करना क्या था, हम लोग हल्के हल्के रश कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ऊपर की तरफ आ गया हूँ और लेफ्ट में बंदे। अभी इसको यहाँ पे पिलता हूँ और इसको पूरा लॉबी भेजेंगे भाई, बैरल से यहाँ पे कर दिया इसको खत्म। इसका टीममेट कोई भाई नीले कपड़ों वाला नीली चड्डी पहन के राइट साइड में भागा था, उसको भी अभी दबोचूंगा थोड़ी देर को। ठीक है पता है मेरे को, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, सिर्फ भाई प्री फायर दिया है, सिर्फ गोली बर्बाद की है, प्री फायर भी नहीं दिया। तो करना क्या है, मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ इन लोग को पेलने के लिए। अभी इसका किल तो नहीं आता, बट भैया दूसरे वाले को पेल दिया और बड़ा दुख हुआ गाइस मेरी आंखों के सामने, पेटी बन गई किसी की। और ये बंदा देखो यही तो है वो नीले कपड़ों वाला। अब इसको तो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा ही गंदा पेल देता हूँ भाई, इतना करना पेलना भी नहीं था, सामने से एक बॉट आता है इसको हटाओ, मतलब भाई उसको एक सेकंड के लिए भी उसने सिर नहीं दिखाया लेकिन पेल दिया। यार ऐसा ही होना चाहिए ना कि बंदा भी कहे नो कहाँ से हुआ मैं। लोकेशन मार्क जैसा नो। तो अभी भाई हगाने में बिल्कुल कसर छोड़ ही रही है, सबको दे रखा है भाई लगातार, तुम लोग को लग रहा होगा पहले तूने हक दिया भाई, पेल पानी रहा है किसी को, सिर्फ गोली बर्बाद कर रहा है, देख लिया भाई। अब बराबर जो ही पिटाइयां लगाई है, अब देखो अपने हरीश भैया तो मेरे साथ है, वो है गुड बॉय ठीक है, बट नंबर दो भाई हर्षी लवर है, मैं तो अलग ही रहेगा भाई। फिर तुमने बचाया नहीं, अरे यार तू देखता नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, मैं तो क्या बताऊँ। अभी एक आधी अजीब और गरीब से बॉट आते हैं इनको पिलते हैं। क्या हुआ बेटा, अब डर लग रहा है, तीन बंदे अब फट गए क्या? अरे यार मैंने बोला मैं साथ में रहो, क्यों डरना क्यों है, मैं हूं तो जिंदाबाद, इधर करना क्या, इन बंदों की पिटाइयां लगाने के लिए आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक फेक मॉली कर दी ठीक है, हाँ हाँ पता है मेरे को इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आगे जो करूंगा ना वो खतरनाक होगी। और अब मेरे को नहीं पता कि मेरे टीममेट की यहाँ पे पिटाई कैसे ही हो जाएगी भाई। ये बंदे यहाँ से निकल के इस कमरे में जाते हैं, अब तुम ये वाली मॉली देखो। लोकेशन मार्क जे सानू। और अपने भैया लोकेशन मार्क जे सानू ही बोलते रहे, अरे भैया क्या क्या वॉइस पैक है, सही यहाँ समझ में आ रहा है लोकेशन मार्क, पर ढंग से बोल ले भाई। अब मैंने सोचा यही होगा, स्मोक के अंदर नेट से एडजस्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सामने ही बैठा है। और अब तो मेरा गू देखना, मैं इतना गंदा गू हगूंगा ना यहाँ पे। अभी ये देखो ये बंदा ऊपर में आता है, मैं पेल सकता हूँ पर पेल ही नहीं रहा हूँ भाई। गोल। और ना जाने क्यों ये मैंने इतनी गिरी हुई हरकत की, ठीक है भाई पूछ लगा रहा था, तो मैं तो क्या बताऊं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं मैंने क्यों किया। अब ये बंदा नेट डालता है, मैं भी नेट डालता हूँ, किसी के नेट ने किसी का कुछ नहीं उखाड़ा। मैंने ना थोड़ा यहाँ पे फॉल बैक कर दिया क्योंकि अपने भाई पिट चुके हैं और हर्षिल अब ऑफलाइन है जो कि अभी आ गया ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पे भाई दो बॉटों को मैं सबक सिखाता हूँ, इन लोग को मुक्ति दे रही, ये लोग किल दे रही है तो मैंने ले ली भाई, जो देने हैं उसकी कभी छोड़ना मत, ले लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, किल की बात हो रही है ठीक है। तो अभी भाई जैसे ही इन वाले बॉटों को सबक सिखाया, उतने में मेरे को लेफ्ट से फायरिंग मतलब फुटस्टेप आने चालू हो गए, तो मैंने एक प्री नेट दोबारा से कुक किया।
तो अभी इसको पेलता, अब इसका टीममेट भाई बचा है उसको भी बड़ी जल्दी पेलेंगे। और अब देखना भाई, जैसे ही हमारे भाई अपने पास आना चालू करेंगे, अब लगेगी भाई पनौती मेरे पे नहीं मेरे टीममेट पे ही। अभी ना भाई जो ये आखिरी बंदा बचा था, गोरा गोरा जो नंगा था ना भाई, बिल्कुल छाती दिखा रहा था अपनी, वो ऊपर की तरफ कहीं चढ़ा हुआ है। उसकी फाइट सामने कहीं और से चल रही है। अब अपने नंबर 3 भैया आते हैं और देखो क्या होता है। शिट। अब इसी सेकंड भाई मैच में गाइस इतनी दिक्कतें चालू होंगी ना, मैं तुम्हें मजाक सेट के बता नहीं सकता। मेरा टीममेट नॉक ही रहेगा। अभी कोई रोबोट से आता है, ये आएगा तो ऊपर ही, पहले इसको पेलते हैं। तो लगभग मेरे को यहाँ पे लग रहा था भाई टीम यहाँ पे हम लोग मतलब खत्म होने वाले हैं, बट जैसे तैसे मेरे टीममेट ने उस बंदे को पेला, क्योंकि यार मैंने एक गोली का छोड़ा ना, ज्यादा गोली का होता तो अभी मैं यहाँ पे भाई पिटा होता, प्लेन में रखा होता मैं जाके। अभी करने का ये बंदा नेड मॉली चालू करता है, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पे मैं रिवाइव लेता हूँ। अबे मार दो तूने मिले यार, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तुम्हारी बहन को तो मार, अरे मार साहू को बात ना, और अपने भाई की नाराजगी यहाँ पे बिल्कुल लाजमी है भाई। एक साल से वो बुला रहा है, पर हर्षी लग भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है मैं यहाँ पे नॉक हुआ, मैंने हगा, बट भाई मैं क्या पता नहीं मेरा टीममेट कहाँ से नॉक होता है, क्या सीन है। आप सिर्फ और सिर्फ गुस्सा खेलो, खेलो आपस में लो, मैं अरे बस कर भाई। भैया मेरे पे तो कुछ है नहीं, मेरा अलग वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इतने बंदे पेल रहा हूँ, ठीक है ऊपर से कहाँ है तूरे नहीं बचा है, तू हिल गया। अरे सही है भाई, तुम लोग नंबर 2 से बदला, मैं तो बच गया, मैं सेफ हूँ। ठीक है मेरे को ना सुनने को मिला ना कुछ। अभी सामने बंदा एक, तो अभी बिल्कुल आराम से सबसे पहले तो इस वाले बंदे को मैंने पेल दिया, ठीक है। और भाई अब यहीं पे होने वाला है रोबोट वर्सेस रोबोट, लेकिन मेरे में नहीं मेरे टीममेट और सामने वाले बंदों के बीच में। अभी मेरे पे AMR पड़ी होती है तो इसका भी यूज करते हैं पहले। अभी गाइस जैसे इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट रश बिना किसी देरी के। अभी लुक पे मैंने क्लोज इन कर दिया, बट भाई बैठ के कुछ हो नहीं रहा था, तो देखो काफी देर में पीछे रुका बट कुछ हुआ नहीं। अब आगे बढ़ता हूँ, इसे पता है मेरे हाथ में नेड, इसकी इतनी फट रखी है ये भाग लिया सीधे। और अब देखो, अब इन लोग को इतना डैमेज दिया, अब इनमें से एक में आ गया ज्यादा दिमाग। लो जी ये बंदा करना चाह रहा था रोबोट वर्सेस रोबोट, रोबोट लेके भागेगा बेटा, ऐसे थोड़ी ना। अभी AMR भी तो तू टपली पे खाई थी, अभी इनका एक और बंदा बचा है, जाता हूँ उसको भी देखने। और ये वाली टीम में यहाँ पे खत्म कर दी भाई। मेरे को कितने शायद 2 ही किल मिल पाते, 1 किल मेरे टीममेट ने ले लिया, उसकी खुजली रहती है भाई, किल ले ही लो भाई, क्लच ना हो दो, अरे क्या ही बताऊं। खैर यहाँ पे उतना ज्यादा प्योर रोबोट वर्सेस रोबोट फाइट हो नहीं पाई, रोबोट था इन लोग पे बट ये दिखाने का ही रह गया भाई। खैर बड़ा कुछ हुआ भाई, अपने टीममेट लोग गेम छोड़ के चले गए, एक टीममेट भाग गया, खेलेगा मतलब कल से खेलेगा, तुम्हें पता ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना बचे होते हैं यहाँ पे 7 बंदे, लेकिन देखो अभी आ गई फाइट चल रही होती है फार्म की साइड, फार्म नहीं मतलब इधर जो ड्रॉप गिरे इधर ही बंदे हैं। तो करने क्या भाई, इन्हीं बंदों को पेलने के लिए मैं डायरेक्ट इन पे क्लोज इन कर देता हूँ। और जैसे ही आता हूँ पता लगता है भाई सिर्फ मतलब यहाँ पे 7 बंदे थे, 8 थे, पता नहीं कितने थे, अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे भाई, सबको इन लोगों ने पेल दिया। तो मैंने कहा अब चिकन तो अपना पक्का हो ही गया है। अरे बाबूजी सही है जेटपैक तुम पे पड़ा है, पर इतनी चोड़ हवा में आ रहा है भाई मेरे को पेलने, इतनी भी चोड़ सही ना है। अभी इसका एक और टीममेट मेरे पे वार करता है, ठीक है मैंने सबको यहाँ पे अकेले पेल रखा है, सबको लू कर दिया, ठीक है सामने बैठा है। अब मैं समझ ली ये तो भाई पक्का रिवाइव देने जाएगा, तो पहले मैं कूदता हूँ इन लोग की पीढ़ी डालने के लिए।
तो ये दोनों बंदों को यहाँ पे लॉबी भेज दिया, ठीक है। बचा है लास्ट बंदा, और इसको पेलने के चक्कर में मैंने सोचा भाई एमआर से पेलूंगा, हीरो बनूंगा। लो बन गया हीरो, वो मेरे को पक्का लो लॉबी भेज भी दिया भाई उसने। पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे हीरोबाजी की और खेल खत्म हो गया। खैर गाइस, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें मजा आएगा गेम प्ले में। अब मिलते हैं आपसे कल।